हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। नवंबर 23 अटेम्प्ट की बारी है। अब मई 23 अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 58, 59, मैं एफआर की बात कर रहा हूँ तो 58, 59 बहुत सारे बच्चे एग्जम्पशन से रह गए। हालांकि पेपर इतना टफ नहीं आया था, पर ओवरऑल जो ग्रुप वन के एग्जाम्स आए थे, ऑडिट की बात कर लें, एसएफएम की बात कर लें, उस चक्कर में ग्रुप वन का रिजल्ट बहुत बुरा आया है। इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। एफआर जैसे सब्जेक्ट में जहां पेपर अच्छा पेपर आया था, मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते थे, उसमें भी मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स एग्जम्पशन तक भी नहीं जा पाए हैं। और ये चीज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स वरीड हैं कि अब क्या होगा। बच्चों, मैं ये वीडियो स्पेशली नवंबर 23 की गाइडेंस के लिए बना रहा हूं। अब ये वीडियो वो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं जिनका मई 23 अटेम्प्ट में नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, और नवंबर 23 दे आर प्रिपेयरिंग। और ये वीडियो वो नवंबर 23 के स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो कि पहली बार नवंबर 23 में अटेम्प्ट करने वाले हैं। ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। चाहे ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं उसमें चाहे मेरे स्टूडेंट्स हैं चाहे मेरे स्टूडेंट्स नहीं है। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, एक डिटेल्ड प्लानर मैं बना रहा हूं पर्सनली, और वो डिटेल्ड प्लानर मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिलीज कर दूंगा मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिटेल प्लानर जो होगा वो ये मान लीजिए कि 2 बार रिवीजन के हिसाब से होगा, क्योंकि अपने पास अभी जितना भी टाइम बचा है उसके हिसाब से हम एफआर का 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। अब ये डिटेल्ड प्लानर के अलावा अभी इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट टर्म मतलब एक बहुत ही शॉर्ट में आपके साथ एक प्लान डिस्कस कर रहा हूं, और इसी का डिटेल्ड प्लानर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अलग से एक वीडियो पे। अभी हमारे पास क्या एक मोटा मोटी हो जाना चाहिए ताकि आपका पढ़ाई शुरू हो जाए, एक मोटा मोटी गाइडेंस मैं आपको अभी प्रोवाइड कर देता हूं। सबसे पहले आप सब जानते हो कि हमारे पास 110 दिन के आसपास हमारे पास अभी एग्जाम में बचे हैं। हालांकि अभी ज्यादा बचे हैं जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट मैं 110 दिन या 100 दिन के आसपास का मान के चल रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो बाद में कुछ बच्चे देखें। अब हमारे पास डेज तो सफिशियंट है देखा जाए, स्पेशली उन बच्चों के पास जो कि सिर्फ एक ही ग्रुप प्लान कर रहे हैं। हालांकि दोनों ग्रुप वाले बच्चे भी अगर प्लान कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि एफआर उन्होंने अभी तक तो क्लासेस ऑलरेडी ले ली होंगी, या अगर नहीं भी ली होंगी तो वो शॉर्ट टर्म क्लासेस का सोच रहे होंगे। तो इन 100 दिनों के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। अभी एटलीस्ट फर्स्ट रिवीजन के लिए तो हमें 10 दिन अलॉट करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें सिर्फ एक ही बार रिवीजन करना है, पर मैं आपको बोल रहा हूं कि ना कभी कभार ये बहुत जरूरी हो जाता है शॉर्ट टर्म स्टेप्स लेना। आप पूरे 4 महीने का प्लान बनाओ, इससे बेटर है कि अभी फिलहाल एटलीस्ट इमीडिएट बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए वो सोचना पहले जरूरी है, पहले रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं आपके सामने डिटेल्ड प्लानर तो रखूंगा, बट अभी एटलीस्ट ये मान के चले कि आप जो भी अपना प्लान खुद बना भी रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैच्योर हैं, वो अपना खुद प्लान करना जानते हैं, तो उनको मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 10 दिन निकालिए। सबसे पहले तो आप 10 दिन एफआर के लिए निकालिए। अब आप 10 दिन कैसे निकाल सकते हो, पूरे दिन भर में आप सिर्फ एफआर पढ़ सकते हो। 10 दिन के अंदर अगर आप एफआर पढ़ोगे तो मैं मान के चल रहा हूं कि दिन भर में आप 10 से 12 घंटे पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अगर आप दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो फिर आपके 20 दिन हो जाएंगे, पर 20 दिन में आपके 2 सब्जेक्ट्स रेडी हो जाएंगे। तो आपको 10 दिन एफआर को देने हैं कंसिडरिंग 10 to 12 hours इन अ डे, जिससे आप 100 से 120 hours में आराम से एफआर कंप्लीट कर लोगे। मैं जो डिटेल प्लानर लाऊंगा मैं उसमें ये बताऊंगा आपको कि हर टॉपिक को आपको कितने कितने घंटे देने हैं, और हर टॉपिक में से आपको मिनिमम कौन कौन से और कितने कितने क्वेश्चंस करने, कौन कौन से वो भी बताऊंगा। अब बात करते हैं लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट। अब ये तो आप सबको आपको समझ में आ गया होगा अगर आपका रिजल्ट आया है कि यार कुछ भी कर लो, एफआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से अपना पेपर हम क्लियर हो जाएंगे ये बहुत ही मुश्किल है। कॉन्सेप्ट्स हमारे कितने भी क्लियर हो, हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें चाहिए, क्योंकि एफआर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। यू वोंट बिलीव, अगर आप पूरे आईसीआई मटेरियल को मिला दो, आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम पेपर्स को मिला दो, तो कुल मिला के आपके पास 1200 प्लस क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इन 10 दिनों में जो आपको जितने भी 100 टू 120 आवर्स आपको निकालने हैं एफआर के लिए फर्स्ट टाइम, उसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट्स कितने भी स्ट्रांग हो पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर अभी तक आप सिलेक्टिव बेसिस पे पढ़ाई करते थे कि 2-4 चैप्टर छोड़ के जाओ तो चलता है, 2-3 चैप्टर छोड़ दे तो चलता है, अब वो सिलेक्टिव बेसिस पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपको ये समझना पड़ेगा, इवन मई 23 एग्जाम को अगर आप देख लो तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये लोग तो ना कहीं से भी पूछ रहे हैं। इंड एस 108 जैसा टॉपिक में से उन्होंने इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया 15-16 मार्क्स का। अगर आप देखो मई 23 अटेम्प्ट में उन्होंने थियोरेटिकल या केस स्टडी रिलेटेड जो उन्होंने पेपर निकाला था वो 30 मार्क्स के अप्रोक्स का निकाला था। तो आपको कोई सिंगल टॉपिक छोड़ना ही नहीं है, भले वो कितना भी कम से कम आया हो एग्जाम में, पर आपको नहीं छोड़ना है। सीएसआर हो, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो, तो कोई भी इंडेस 24 तक क्यों ना हो, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। इंडेस 37, इंडेस 24, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोल दिया कुछ नहीं छोड़ना है, ये आपके लिए बोलना आसान है। बेटा देखो सुनो, आप ध्यान से पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को समझो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अगर आप
कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे तो आप उसकी चार कैटेगरी निकाल पाओगे। पहला कैटेगरी कंसोलिडेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से 40 मार्क्स आता ही आता है, मतलब एक आध क्वेश्चन इससे आएगा, दो क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, कुल मिला के 40 मार्क्स आता है। दूसरी कैटेगरी आपकी स्पेशल इंडेक्स कैटेगरी, जैसे कि हो गया आपका इंडेक्स 12, इंडेक्स 21, इंडेक्स 20, इंडेक्स 33, ठीक है ना, फेयर वैल्यू, ठीक है ना, स्पेशल 102, स्पेशल इंडेक्स कैटेगरी, लगभग 20 मार्क्स इसमें से आता है। एक होता है आपका असेट लायबिलिटी बेस्ड कैटेगरी, जिसमें सारे असेट बेस्ड कैटेगरी इंडेक्स आते हैं, इंक्लूडिंग 116 लीजेस, उससे लगभग 20 मार्क का आता है। और जो बाकी बचा हुआ मिसलेनियस कॉन्टेंट है, वो आप मान के चलो कि 20 से 30 मार्क का ऊपर पकड़ के चलो। अब मैं आपको बोलूंगा पर्सनली, जो मैं डिटेल प्लानर बना रहा हूं उसमें भी मैं आपको बता दूंगा, पर जो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका जो आपको जो सबसे टफ लगता है कंसोलिडेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वहीं से शुरू करें तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप वहां से शुरू करो जहां से आपका कॉन्फिडेंस सबसे जल्दी बूस्ट होगा, जैसे असेट बेस्ड इंडेक्स, जैसे कि स्पेशल इंडेक्स। मैं मानता हूं कि मिसलेनियस टॉपिक करने का मन नहीं करता है, पर एक बार करके खत्म करो, एक बार कंप्लीट करके खत्म कर दो, ठीक है ना। अगर आपके पास मेरा चार्टबुक है तो चार्टबुक में से जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर बस आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि कंसोलिडेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा बाद में उठाओ, और पहले आप असेट लायबिलिटी बेस्ड और स्पेशल इंडेक्स बेस्ड कंप्लीट करो, और एटलीस्ट मिसलेनियस टॉपिक एक बार खत्म करके नक्की करो। बार बार आपके मन में आता होगा यार मैं उठाऊंगा, बट वो हो नहीं पाता है, ठीक है ना। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। पहली बात तो अभी मैंने आपको कैटेगरी बता दी, आपको मैंने ये बता दिया कि आपको सिंगल टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है, आपको मैंने ये बता दिया कि एफआर जो है वो बहुत सारी प्रैक्टिस मांगता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या वीडियो लेक्चर्स लेना चाहिए, या बिना वीडियो लेक्चर्स के भी आपका काम हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बिल्कुल भी आपको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। बस आपको अगर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तो आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर एक मटेरियल की। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक मटेरियल है एफआर का QR कोड क्वेश्चन बैंक। अब इस बार मैं इसमें QR कोड वर्ड यूज कर रहा हूं, ये कोई नॉर्मल मटेरियल नहीं है। आपने कई बार क्वेश्चन बैंक सुना होगा, एफआर में ही अलग अलग टीचर्स का क्वेश्चन बैंक सुना होगा, पर आपने ये वाला क्वेश्चन बैंक पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चंस के बगल में QR कोड मिलेगा। मतलब खरीदनी आपको सिर्फ बुक है, पर ये जो किताब होगी, ये किताब बोलेगी भी। कैसे बोलेगी? आप मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, वन बाय वन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको अगर क्वेश्चन में अटक गए तो आप बोलोगे यार मुझे अब या तो मैं फ्रेंड से पूछूं या तो मैं फैकल्टी से पूछूं, दोनों में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अगर उस क्वेश्चन के बगल में आपको मैंने QR कोड दे दूं और आप उसको स्कैन करो, और उसी टाइम पर स्कैन करते साथ ही मैं वही उसी क्वेश्चन को डिस्कस करता हुआ पाया गया आपको, तो वहीं के वहीं आपका पूरा क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्व कर लिया जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये FR QR कोड क्वेश्चन बैंक, जिसके दो वॉल्यूम आते हैं, आप सिर्फ वो परचेज कर लो अगर आपके पास आपको अगर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वैसे तो आपके पास हो सकता है क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी होगा, ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन बैंक बहुत डिफरेंट है। लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन बैंक लुक्स लाइक दिस। पहली बात तो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने हर टॉपिक में इस टाइप की कैटेगरी बना दी है। कैटेगरी बनाने से होगा क्या कि अब हर इंडेक्स के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन है वो आपको सीरीज वाइज दिख जाएंगे इकट्ठे एक जगह पर। जैसे लीज मॉडिफिकेशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लेसी की बुक्स का सब लीज इंपॉर्टेंट है, सेल एंड लीज बैक इंपॉर्टेंट है, उसके सारे क्वेश्चन एक जगह पर मिल जाएंगे आपको सीरीज वाइज, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो चाहे आरटीपी के क्वेश्चन हो, एमटीपी के क्वेश्चन हो, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हो, या स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन हो, आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। दूसरी चीज, मैं QR कोड की बात कर रहा हूं, इस टाइप का QR कोड आपको मिलेगा और ऐसा मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% क्वेश्चंस के बगल में मैंने ये QR कोड डाला है, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि मैंने लगभग 70% क्वेश्चंस के बगल में ये QR कोड डाला है, और उसमें मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो इससे क्या होगा कि आप मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको किसी उस क्वेश्चन में डाउट है, अब आप डाउट के लिए अटक गए, अब एग्जाम टाइम में भी आपको ये QR कोड काम आएगा। तो आपने इमीडिएटली स्कैन किया और आपके सामने मेरा एक वीडियो आ जाएगा, और इसी क्वेश्चन को जो क्वेश्चन के ऊपर स्कैन करोगे उसी क्वेश्चन का डिस्कशन मेरा वीडियो ओपन हो जाएगा, आप उसमें स्पीड एडजस्ट कर सकते हो और इसका अनलिमिटेड एक्सेस है, आपको एग्जाम टाइम तक काम आएगा। तो मैं आपको इस वजह से कह रहा था कि आप अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप सिर्फ किताब परचेज करिए और ये QR कोड वाली बुक आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर हमारे पास आपकी ही क्वेश्चन बैंक है पर वर्जन 4 है या वर्जन 3 है, ये जो मेरी QR कोड है ये वर्जन 5 है। मैं बता दूं 5.0, तो जो बच्चों के पास वर्जन 4.0 है उसमें QR कोड नहीं है पर ये कैटेगरी वाइज अलॉटेड है, तो वो बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि भाई आप ये डिसाइड करो कि आपको QR कोड की नीड है क्या। अगर आपको QR कोड की नीड है तो फिर आप ये परचेज करिए, पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार आई डोंट वांट QR कोड, मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बैठा हूं, या मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मुझे QR कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनके पास जो 4.0 है वो सफिशियंट है। पर अगर किसी के पास 4.0 से भी पुराना क्वेश्चन बैंक है, 3 वर्जन है, 2 वर्जन तो पॉसिबल ही नहीं है, वो बहुत पुराना हो गया, अगर किसी के पास वर्जन 3 है तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज ये किताब परचेज कर लीजिए, 5.0 का अब अवेलेबल है।
डिस्क्रिप्शन में आपको इसका परचेज लिंक मिल जाएगा। इवन डिस्क्रिप्शन में मैं ये इंडियस 116 का सैंपल भी दे दूंगा आपको, ये सैंपल बुक भी दे दूंगा, डेमो बुक भी दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्यूआर कोड किस तरीके से वर्क करता है। इवन आप इसको क्यूआर कोड एक बार स्कैन कर भी सकते हैं, आप एक बार इसको स्कैन करिए अभी के अभी, वीडियो पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये कैसे ओपन होता है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 137 आपके सामने अभी के अभी, ये क्वेश्चन नंबर 137 ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, पर सर मुझे ना ऐसा लगता है कि एक बार लेक्चर्स के साथ साथ मैं अपना रिवीजन निपटा लूं। कॉन्सेप्ट क्लियर है पर मुझे ना एक अच्छा खासा एक फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए, डिटेल फास्ट ट्रैक रिवीजन। ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना कि मुझे कोई ग्रुप में बच्चा मिल जाए, मैं उसके साथ मिलकर पढ़ूं, तो सर ऐसा कोई मिल जाए मुझे तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरा फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच परचेज कर लो। फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है, ठीक है ना, 2000 से 3000 के बीच में आपको पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो आपको 2000 में पड़ जाएगा, अगर आपने मेरे पहले कभी क्लासेस नहीं ली तो आपको 3000 या उसके आसपास मिल जाएगा। उसमें मैंने लेक्चर्स के अंदर 90 आवर्स के अंदर मैंने प्रैक्टिस भी करवाई और मैंने कॉन्सेप्ट्स भी करवाए, और उसमें ये क्यूआर कोड वाली किताब भी मैं आप डिसाइड कर चुका हूं, मैं उसमें दे रहा हूं। हालांकि फास्ट ट्रैक बूस्टर जब मैंने रिकॉर्ड किया था तब मेरा वर्जन 5 नहीं था, वर्जन 3 था, तो वो तो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा ही दूंगा, प्लस वर्जन 5 ये क्यूआर कोड वाला मैं आपको हार्ड कॉपी दूंगा इस फास्ट ट्रैक बूस्टर के साथ, वो तब अगर आपको रिवीजन मेरे साथ करना है तो, ठीक है ना। अब ये दोनों चीजें मैंने बताई, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो सिर्फ आप क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक ले लो, मैं परचेज लिंक डाल रहा हूं। अब बात करते हैं कि सर हमारे ना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, या यूं समझे कि अभी तक तो सर 923 तक हम ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे थे, हमारा ग्रुप 2 निकल गया या नहीं निकला, अब हम ग्रुप 1 पे तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप 1 में एफआर हमें बहुत टाइम हो गया उठाते हुए, बहुत ज्यादा टाइम उठा हो गया और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अब टाइम भी सफिशियंट है क्योंकि रिजल्ट तो बहुत सही टाइम पे आया है, हमारे पास अभी भी अच्छा खासा टाइम बचा है, तो फिर ऐसे केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लो। एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स बिल्कुल ही अपडेटेड रिकॉर्डिंग है, अपडेटेड तो इसका मतलब ये मान लो कि उसके मैंने जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए उनमें से अभी भी मेरे 8-10 लेक्चर रिकॉर्ड करना बचे हुए हैं, ठीक है, और ये पूरी पूरी अभी करंट बिल्कुल नई बिल्कुल ताजा रिकॉर्डिंग है जिसमें 100% सिलेबस कवर किया है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में बच्चों का फीडबैक है कि मतलब सर पता ही नहीं चला कि इतने कम समय में इतना हमारा इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी हो गया। उन बच्चों का कहना था कि सर रेगुलर बैच लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ये बैच जो है वो 180 आवर्स का है और ये लाइव लिया गया था, तो उसमें आपको फायदा ये मिलेगा कि बच्चे मेरे साथ लाइव जो जुड़े हुए थे पूरी ड्यूरिंग द सेशंस, उन्होंने अपना ऑडियो यूज करके मुझसे डाउट पूछे तो आपके डाउट भी उसमें रिजॉल्व हो जाएंगे। इस बैच के अंदर मैंने 700 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्लास के अंदर, और वो भी यही मैंने क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक ही में दे रहा हूं इसके अंदर भी, तो 700 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने क्लास में ही सॉल्व किए हैं। दूसरी बात करें लाइव डाउट सेशंस, जो मैं आपको बता रहा था कि क्लास के अंदर ही बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े होते थे, वो अपना ऑडियो यूज करते थे, तो ऑडियो के कारण क्या होता था ना, वो अपने डाउट्स वहीं के वहीं निपटा लेते थे, जिससे ऑनलाइन डाउनलोड वाले बच्चों को फायदा होता है कि उनके डाउट भी रिजॉल्व हो जाते हैं, और ऑनलाइन डाउनलोड वाले बच्चों को यह लगता है कि अरे यार मजा आ गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि लेक्चर देखते वक्त कोई और भी हमारे साथ बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी आवाज आती है, आवाज अननेसेसरी नहीं आती, सिर्फ लाइव डाउट जब भी मैं उनसे कुछ बात करता हूं तब आती है। बुक्स की बात करें तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट बुक मिलेंगे, मेरे 2 वॉल्यूम कॉन्सेप्ट बुक इतने शानदार प्यारे बनाए गए कि हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल मैंने साथ साथ डाला हुआ है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल ही हमने कम से कम 150 एग्जाम्पल ही हमने कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल बड़े बड़े लेवल के सॉल्व किए। क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा आपको चार्ट बुक मिलेगा क्योंकि क्यूमुलेटिव रिवीजन आपको करनी है साथ साथ मेरे, और उसके बाद जो मैंने क्लास में जितने भी नोट्स लिखवाए वो पूरे नोट्स का मैं सॉफ्ट कॉपी भी आपको इसमें दे रहा हूं। Considering this November 23 is the last attempt for old scheme, और मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूं सभी स्टूडेंट्स से, और यार स्टूडेंट्स ने ही मुझे आगे बढ़ाया है, तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि मैं आपको इसमें पूरा एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो हमारा जो ये बैच था अभी तक 8000-9000 की रेंज में सेल होता था, बट कंसिडरिंग November 23 इज द लास्ट अटेम्प्ट, मैं यहां पर आपको फ्लैट 4000 का डिस्काउंट करके ये बैच मैं आपको सेल कर रहा हूं 4999 इंक्लूडिंग बुक्स में, और इसमें आपको क्यूआर कोड वाली बुक मिलेगी। तो ये बैच उन बच्चों के लिए फेवरेबल रहेगा जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है एफआर में, या जिनका एफआर बहुत पहले किया था बट अभी उनको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, और उनको अच्छे से करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि 180 आवर्स में आपका पूरा अच्छे से कोर्स हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ लेक्चर्स देखिए कुल मिला के मैंने आपको 180 आवर्स बताए, इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स आप मत जाइएगा क्योंकि कुछ लेक्चर्स बहुत छोटे हैं, एक एक घंटे सवा घंटे के, और कुछ लेक्चर्स दो ढाई घंटे के हैं। मेरे लेक्चर कोई भी ढाई घंटे से ऊपर आपको नहीं मिलेंगे, आमतौर पर 2 से 2.5 घंटे के लेक्चर्स हैं, तो ओवरऑल आवर्स आपके 180 आवर्स है, तो आप ये कर सकते हो। अब आई होप आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि आपके पास अच्छा खासा टाइम सफिशिएंट है, आप 10 दिन अलॉट करिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके साथ आप ये क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों कोर्सेज की लिंक डाल रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज का लिंक,
फास्ट ट्रैक बूस्टर का कोर्स का लिंक और क्यूआर कोड का भी लिंक डाल रहा हूं और डेमो बुक भी डाल रहा हूं क्यूआर कोड का, एक बार जरूर देखिएगा। और मुझे कमेंट में आप मुझे जरूर बताएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है एफआर में, आपको एक्चुअली में एफआर में कहां दिक्कत जाती है, कौन से टॉपिक में दिक्कत जाती है, आपके इस बार मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आए, कितने आए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। डिटेल्ड प्लानर में जरूर बनाऊंगा, इस वजह से आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। और ये वीडियो को लाइक करना और ये चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कुछ दिनों में और भी बहुत सारी चीजें एफआर को लेकर लाने वाला हूं, ठीक है। सो आई बिलीव कि ये वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और एटलीस्ट कुछ ना कुछ फायदा होगा। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द नवंबर 23 एग्जाम्स।